के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 21 जून को 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद 22 जून को शाम में वाराणसी के लिए होंगे रवाना। सिंचाई एवं यांत्रिक मंत्री ने कहा, जनपद की कानून व्यवस्था, महिला अपराध नियंत्रण, अवैध खनन व कमजोर वर्ग पर दिया जाए विशेष ध्यान। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए और बेहतर। प्रभारी मंत्री ने कहा, सीवर के पानी को ट्रीट करके नदी में डालने वाला गोरखपुर मॉडल के रूप में होगा उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत। यूपी के सिंचाई एवं यांत्रिक मंत्री ने एनएक्सी भवन में जनपद स्तरीय अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, सरकार विकास परक योजनाओं व जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर बहुत ही है संवेदनशील। अधिकारी व्यक्तिगत प्रयास करके विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को धरातल पर करें लागू। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर में आयोजित साप्ताहिक योग शिविर में मुख्य वक्ता डॉक्टर दीनानाथ राय ने कहा, गुरु गोरक्षनाथ ने दिया हठ योग से शिव और शक्ति के मिलन का उपदेश। 1400 ग्राम चरस के साथ 2 तस्कर चढ़े पुलिस और क्राइम ब्रांच के हत्थे, NDPS एक्ट के तहत भेजे गए जेल। सिंचाई व यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने गोरखपुर व बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा वार पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को किया सम्मानित। पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के त्याग बलिदान एवं परिश्रम का नतीजा है कि भाजपा को मिला प्रचंड बहुमत। रेल सप्ताह 2019 के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर रेलवे के चिकित्सा विभाग का पुरस्कार वितरण समारोह हुआ संपन्न। मुख्यालय एवं तीनों मंडलों के 70 चिकित्सा कर्मियों को प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार प्रदान कर किया गया सम्मानित। और 13 लोकसभा क्षेत्रों के विस्तारकों के साथ पार्टी कार्यालय पर किया गया बैठक का आयोजन। मुख्य अतिथि MLC व BJP प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक हुए शामिल।